तो इसमें हमने जो मसाला ये बना रहे हैं भरवा करेले और भरवा मिर्च के लिए। तो इसमें हमने धनिया डाली है साबुत। जो धनिया थी तो हमने ऐसे पैकेट में मंगाई और फिर इसको साफ़ कर लिया अच्छे से थाली में डाल के, साफ़ कर लिया। फिर इसमें हमने जितना 100 ग्राम धनिया है तो 50 ग्राम जीरा है, 10 ग्राम इसमें सौंफ है, 10 ग्राम इसमें दालचीनी है, 10 ग्राम इसमें अजवाइन है और 10 ग्राम काली मिर्च है और हरी सौंफ है। तो इन सब चीज़ों को मिला के जो है हम अभी पीस लेंगे। और इसको हमने अच्छे से बहुत अच्छे से साफ़ करके रखा हुआ है। तो बस ये देखिए सब दिख रही है सौंफ वगैरह, ये देखिए नज़दीक से देखिए, ये देखिए। तो ये अभी पीस लेंगे। बस इसमें नमक नहीं डालना है। जब ये मसाला आयल में भुना जाता है उसके बाद में उसमें नमक और हल्दी बस केवल ऐड करना होता है, बाकी ये मसाला बन जाता है। तो इसी तरह से हमने तैयार कर लिया हुआ है इधर ये चटनी। तो इस चटनी में हमने क्या डाला ये देखिए, पीस लिया इसका। सॉरी इसका वीडियो नहीं दिखा पाए पर इसमें बता देते हैं। इसमें भी साबुत धनिया है और थोड़ा सा जीरा है, मतलब 100 ग्राम के हिसाब से ही है इसमें भी। और इसमें लहसुन है एक पूरी गांठ, थोड़ी सी मैंने बचा ली थी ये देखिए इस तरह से। और साबुत लहसुन ही ऐसे इसमें डालना है। और चीज़ें इसमें पड़ी हुई हैं, नमक भी पड़ा है और इसमें थोड़ी सी हींग भी डाली है। और अच्छे से इसको मिक्सी में चला लिया है। तो देखिए बढ़िया फाइन पाउडर बन गया है। ये चटनी को तेल में मिला के आप कभी भी किसी भी समय पराठे रोटी की या किसी भी के साथ किसी चीज़ में डाल सकते हैं और खा सकते हैं। ये ऐसे तैयार कर लिया। अब हम इसको भर लेंगे इस प्लास्टिक के छोटे से डिब्बे में। ADU है ना उसका, कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 21 इयर्स ऑफ एज एंड नॉट मोर देन 30 इयर्स। मेरे मम्मी ना आ गए, हम सैंडविचेस खा रहे हैं मम्मी के घर में। मम्मी के घर में अपना भी तुम्हारा घर है बेटा। तो कैसा लग रहा है बेटा जी आपको? अच्छा लग रहा है, मम्मी अच्छा है। हमको भी अच्छा लग रहा है आप सब लोग यहाँ पे हो। तो इस समय शाम हो गई है और मैं बना रही हूँ भरवा करेले और भरवा मिर्च। तो चलिए आपको किचन में पास से दिखाती हूँ कि वो किस तरह बन रहे हैं। रेसिपी तो शेयर नहीं की है क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले ही अपने चैनल पर ये रेसिपी अपलोड की हुई थी। और तो मैं बस ऐसे दिखा रही हूँ कि मैं बना रही हूँ। ये देखिए आयल में पक रहे हैं और बहुत अच्छे से पक रहे हैं और ये पक भी चुके हैं। तो इसमें आयल थोड़ा ज़्यादा रहता है क्योंकि इसमें पानी नहीं डाला जाता है। तो ऑलरेडी ये रेसिपी मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ और ये सब चीज़ें मैं बना रही हूँ। तो मैंने सोचा आपको दिखाते चलूँ। मैं बना रही हूँ, बिटिया घर आई हुई हैं तो उनको जो चीज़ें पसंद हैं वो बना रही हूँ। और ये देखिए बड़ा मिर्च भी बन चुके हैं, ये इधर मिर्च बन रहे थे और इधर ढक के करेले बना रही हूँ। बस बन ही गए हैं, बस उसको 5 मिनट और भी बस बन गए हैं। बस 5 मिनट में ही ये मैं इनको गैस साफ कर दूँगी क्योंकि ये बन चुके हैं ऑलरेडी। कृपया अच्छे से पक गए हैं, ये भी आयल में पक रहे थे तो ये बन चुके हैं। बस अब गैस साफ कर दूँगी। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा इन सब चीज़ों में मेहनत ज़रूर है पर एक बार बन जाते हैं तो सभी को अच्छे लगते हैं। फिर आप पराठा दाल चावल रोटी जिससे भी खाना चाहें तो उन सब चीज़ों को खा सकते हैं। तो मैंने कहा था चलो थोड़ा सा बना देती हूँ और बिटिया ले भी जाएंगी तो मतलब आज ही बनाना था तो मैंने बना दिया। और शायद ये ब्लॉग
आज आए नहीं सॉरी कल आए या आज आएगा ये भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि बना तो मैं आज रही हूँ और आज है सैटरडे इवनिंग। तो देखते रहिएगा ब्लॉग में, बने रहिएगा। थोड़ा फेस पे स्माइल वगैरह कम होगी क्योंकि मेरी तबीयत कल से थोड़ा सा ख़राब है और फीवर है, तो थोड़ा फीवर हो रखा था कल से, तो थोड़ा हल्का तो फीवर है और गले में दर्द भी है, तो इसलिए जो है क्या कहते हैं थोड़ा मैं ऐसे ही। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, तब तक के लिए जो है अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच। और हमारे सभी सब्सक्राइबर एंड व्यूवर्स को थैंक यू सो मच, लव यू, आई लव यू।